हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ UEE SE के बारे में कि इसकी प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं, और आपको नोटिफिकेशन PDF किस तरह से देखना रहता है, और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आपको फिल करना रहता है, आप किस तरह से एलिजिबल होंगे, उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ, जहाँ पे लिखा है UEE SE रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन वैकेंसी डेट्स एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सिलेबस, पैटर्न, प्रीलियम एंड मेन एग्जाम, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी एंड प्रमोशन, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट्स है, जैसे कि एग्ज़ाम का नेम क्या है तो, और UPPCS फुल फॉर्म क्या है इसका, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सिविल सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। फिर एग्ज़ाम जो लेवल इसका, वो स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑनलाइन मोड से फिल किया जाता है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, और इसकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी होती है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलियम एंड मेन एंड इंटरव्यू, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप प्रीलियम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू में पास हो गए। आपकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स के अंडर में होनी चाहिए। वैकेंसीज 400 हैं। फिर एग्ज़ाम सिटीज यहाँ पे अकर्स द उत्तर प्रदेश। नोटिफिकेशन लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक में रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आपको किस तरह से डाउनलोड करना रहता है और कौन से वेबसाइट के थ्रू देखना रहता है, तो आज मैं आपको इसमें बताऊँगी कि आपको UEE SE का आपको जो नोटिफिकेशन PDF है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देखना रहता है, और इसमें जो है एग्ज़ाम डेट्स के बारे में रहती है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डेट रहता है, फिर एडमिट कार्ड का डेट रहता है, और एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, किस तरह से चेक करना है, और इसके सैलरी कितनी रहती है, एग्ज़ाम डेट्स रह के रहेंगे, सैलरी और सिलेबस रहेगा, इन सब के बारे में नोटिफिकेशन में रहता है। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो, अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं, या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए, तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स के अंडर ही होनी चाहिए। अगर आप 21 से ज़्यादा कम हैं या फिर 40 से ज़्यादा हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कम्प्लीट होनी चाहिए, फिर डिप्लोमा भी कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाइट आती है। यहाँ पे मेल का दिया गया है 163 सेंटीमीटर, चेस्ट यहाँ पे दिया 84 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंशन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर यहाँ पे फीमेल का भी दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हाइट उनकी 150 सेंटीमीटर दी गई है, 79 सेंटीमीटर दिया गया है चेस्ट का, और एक्सपेंशन का यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया। फिर वॉकिंग टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, अगर फिनिश वॉकिंग 25 किलोमीटर पे 4 आवर्स दिया गया है एंड 15 किलोमीटर 4 आवर्स दिया गया है फीमेल के लिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना नेम, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर
और आपके एड्रेस, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। उसके बाद आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने रहते हैं, जैसे कि आपका टेंथ ट्वेल्थ एंड डिग्री का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी देने रहती है। और आपकी फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी देना रहता है आपको। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं, और ये जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग थ्रू दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर लिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने दे दिया है, एप्लीकेशन फ़ीस भी आपने दे दिया है, तो फिर आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक बार ये चेक कीजिएगा कि आपने सभी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है या नहीं। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम के 10-15 डेज पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर UPSC PCS का वहाँ पे ऑप्शन दे रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपका दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि एप्लीकेंट्स नेम, आपका नेम रहेगा, आपका एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर एंड मदर नेम, कैंडिडेट्स रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, सेंटर नेम, सेंटर कोड, फिर एड्रेस ऑफ द वेन्यू, पेपर पैटर्न, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स फिंगरप्रिंट एंड सिग्नेचर, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इन्विजिलेटर सिग्नेचर एंड एग्जामिनेशन गाइडलाइंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर ID, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आनी रहती है एग्ज़ाम सेंटर में जब आपका एग्ज़ाम रहता है। फिर अब हम आते हैं सिलेबस पे, कि आपको क्या क्या सिलेबस स्टडी करनी रहती है। जैसे यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए दिया गया है सभी टॉपिक्स, जैसे और यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, जैसे जनरल हिंदी है, एसे है, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर वन एंड पेपर टू दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम दिया, कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, इन मॉर्निंग सेशन 9:30 AM टू 12:30 AM, तो आपका 12:30 तक आपका एग्ज़ाम रहता है। उसके बाद आफ्टरनून में 2 PM टू 5 PM तक आपका एग्ज़ाम रहता है। फिर मैक्सिमम मार्क्स जो है जनरल हिंदी के लिए आप 150 मार्क्स दिया गया है, एसे के लिए 150 मार्क्स दिया गया है। फिर अब हम आते हैं टाइप ऑफ एग्ज़ाम, फिर अब हम आते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में, क्या आप प्रीलिम एग्ज़ाम में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा। जैसे यहाँ पर नेम ऑफ द एग्ज़ाम दिया गया है, एग्ज़ाम का नेम है UPSC PCS, और नंबर ऑफ पेपर जो है 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ एंड पेपर 2 होता है, जनरल CS80 होता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम जो है 2 आवर्स का होता है, और आपका जो मार्क्स है वो 200 मार्क्स का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट पेपर में एंड सेकंड पेपर में होते हैं 100 क्वेश्चंस। फिर नेचर ऑफ द एग्ज़ाम जो है वो MCQs टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम का टाइप है जो ऑफलाइन मोड्स का होता है। फिर यहाँ पे हम आते हैं मेन एग्ज़ाम है कि किस होता है, फिर इंटरव्यू का भी दिया गया। फिर आते हैं बेस्ट बुक्स, कि आपके लिए कौन कौन से बुक्स बेस्ट रहेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री दिया गया है, फिर जोग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, इंडियन इकनॉमी, बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है। फिर अब आते हैं स्ट्रेटजी यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं रिजल्ट पे, रिजल्ट जो आपको एग्ज़ाम के बाद आते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहेगा। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना रिज़ल्ट जो है वो देख सकेंगे, और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है।
फिर आते हैं यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स पे। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका कट ऑफ मार्क्स जो है वो 150 to 120 के अंडर में ही होना चाहिए। अगर आपका 115 से कम रहेगा तो फिर आप इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका, और ना ही आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा। आपका 120 मार्क्स से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, बट आपका 115 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे और भी कैटेगरी के लिए दिया गया, और ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, और ये एवरी ईयर चेंज होते हैं। फिर अब हम आते हैं सैलरी पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के अलग अलग सैलरीज होती हैं। जैसे कि अगर आप जूनियर हैं तो फिर आपको 38,000 to 44,000 के अंडर में रहेगा, और अगर आप सीनियर हैं तो फिर आपको 55,000 to 60,000 के अंडर में रहेगा। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे दिया करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन। कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिया गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक